उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जन सरोकारी छवि के लिए पहचाने जाते हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी जनता दरबार लगाते थे और आम जन की समस्याएं सुनकर प्रशासन से उसका समाधान करवाते थे। तब वो गोरखपुर के सांसद थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सीएम योगी का ये जनता दरबार चालू है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी उनसे लोग मदद की गुहार लगाते हैं और जो भी उनसे मदद मांगता है उसे भगवादार योगी कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। फिर चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो या समुदाय का हो, योगी सबकी निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। तो वहीं इस बीच एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ऐसे कारनामों को देखते हुए उनकी जमकर तारीफ हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक अपील का संज्ञान लेते हुए 4 साल की शिवा पांडे के लिवर ट्रांसप्लांट लिए 10 लाख रुपए की मदद की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मिली जानकारी के मुताबिक शिवा दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियर साइंस में भर्ती हैं। दिल्ली में बेटी का उपचार करा रहे शिवा के पिता सत्येंद्र पांडे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली इस मदद से काफी खुश हैं और उनका आभार भी व्यक्त किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाए। हालांकि अपनी बेटी के लिए वो लिवर दान कर रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आड़े आ रहे हैं धन की कमी को दूर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली मदद के लिए वो काफी शुक्रगुजार हैं। बता दें कि गोरखपुर में पादरी बाजार क्षेत्र के रहने वाले शिवा के पिता सत्येंद्र पांडे 7,000 रुपए की मामूली सी प्राइवेट नौकरी करते हैं। बेटी शिवा का इलाज कोई 6 महीने से करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में उन्होंने अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 दिन के भर्ती अपने माता पिता को दोनों को खो दिया था। उधर दूसरी तरफ बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिसके बाद दिल्ली के अस्पताल में 12 मई से बेटी की जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। शिवा के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है। जी हाँ, दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस हॉस्पिटल में एक पेडियाट्रिक हॉस्पिटलाइज वार्ड नंबर बेड नंबर 18 में भर्ती शिवा का उपचार डॉक्टर विक्रांत सूद कर रहे हैं। हर दिन 40 से 30 हज़ार रुपए का खर्चा भी आ रहा है, लेकिन इतना पैसा वो कहां से ला पाते। जिसके बाद परेशान हाल में सत्येंद्र पांडे ने अपने परिचित साहित्यकार दयानंद पांडे को कॉल किया। दयानंद पांडे अपने फेसबुक वॉल पर सत्येंद्र के नाम का अकाउंट डिटेल्स सब कुछ शेयर करते हुए लोगों से मदद की अपील की, जिसके बाद दयानंद की इस अपील पर शिवा के पिता के अकाउंट में तकरीबन 8,60,000 रुपए पहुंच गए। वहीं ये वायरल पोस्ट सीएम योगी के पास भी पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने उस मासूम सी बच्ची की मदद करने की ठान ली। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला पहुंचने के बाद शिवा के उपचार के लिए अस्पताल से एस्टीमेट मांगा गया। बुधवार को अस्पताल ने 20 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को भेजा गया, जिसके बाद शुक्रवार को यानी कि आज शलभ मणि त्रिपाठी ने कॉल कर 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकृत किए जाने की सूचना प्रदान की। ये धनराशि सीधे अस्पताल प्रबंधन को भेजी जाएगी। तो वहीं सीएम योगी के इस कदम पर साहित्यकार दयानंद पांडे का कहना है कि सिर्फ कुछ घंटों में ही इतनी बड़ी धनराशि किसी गरीब के 4 साल की बेटी के इलाज के लिए स्वीकृत करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेदनशीलता को दर्शाता है। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसी उदारता दिखाई हो। कहते हैं कि उन्हें पता है कि ऐसे ना जाने कितने अनगिनत लोगों की मुख्यमंत्री ने मदद की है, उनकी तत्परता से वह अभिभूत हैं। तो देखा आपने, सीएम योगी ने आज फिर साबित कर दिया कि लोग उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं और उनमें अगले प्रधानमंत्री की छवि क्यों देखते हैं। तो भगवादारी योगी के इस कृत्य पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।